सब्जियों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। सब्जियों की बहुफसलें साल भर ले जाती हैं। सब्जियां हर व्यक्ति के लिए पौष्टिक, संतुलित और स्वादिष्ट आहार प्रदान करने के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी सहायक है। आज कृषि के बदलते परिवेश में किसानों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा है, किसान की एक नज़र खेत पर तो दूसरी बाजार पर होनी चाहिए। अगर आप भी सब्जियों की खेती आधुनिक तरीके से करना चाहते हैं, तो आप उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए ICAR पूसा नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिक किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए बढ़िया पौधों के साथ साथ उनकी उन्नत फसल का उत्पादन होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं, कम खर्च में सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें। देश में 100.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 60 प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है, जिससे लगभग 162.19 मिलियन टन सब्जी उपलब्ध हो रही है। विश्व भर के सब्जी उत्पादक देशों में भारत का दूसरा स्थान है, जहां समुद्र तल से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक कई प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश है, बावजूद इसके सब्जियों की उत्पादकता में यह अभी भी काफी पिछड़ा है। हालांकि वर्तमान में सब्जियों के उत्पादन में लगभग 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक टमाटर में 40%, गोभी में 68%, बैंगन में 82% और भिंडी में 10% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन यदि प्रति व्यक्ति दैनिक सब्जी उपलब्धता की बात की जाए, तो वर्तमान समय में ये उपलब्धता लगभग 240 ग्राम ही है। इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण, घटती कृषि जोत, पर्यावरणीय कारक, बढ़ता रोग प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, सब्जियों के अच्छी किस्मों के बीजों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाना। 2025 तक देश के प्रत्येक नागरिक को पोषण सुरक्षा की दृष्टि से 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन उपलब्ध कराने के लिए हमें सब्जियों का उत्पादन 300 मिलियन टन तक बढ़ाना होगा। सब्जी बगीचा का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना और साल भर घरेलू साग सब्जी की आवश्यकता की पूर्ति भी करना है। कुछ तकनीकों को अपनाते हुए इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बगीचे के एक छोर पर 12 महीने पौधों को उगाएं तथा इसका असर अन्य फसलों पर ना पड़े, इसका ध्यान रखें, जिससे अन्य साग सब्जी की फसलों को पोषण भी मिलता रहे। बगीचे के चारों ओर तथा आने जाने के रास्ते का उपयोग कई अल्पावधि फसलों जैसे मेथी, धनिया, पालक, पुदीना आदि उगाने के लिए किया जा सकता है। सब्जी की खेती कैसे करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में साग सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर शाकाहारियों के जीवन में। साग सब्जी में ऐसे पोषक तत्व के स्रोत हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके साथ स्वाद को भी बढ़ाते हैं। सब्जी की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई तक कुदाली या हल की सहायता से या फावड़ा की मदद से जुताई करनी होगी। उसके बाद खेत से पत्थर, झाड़ियों और बेकार के खरपतवार हटा दें। फिर खेत में 100 किलोग्राम कृमि खाद चारों ओर फैला दें। उसके बाद आवश्यकता के मुताबिक 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ या क्यारी बना दें। तत्पश्चात भिंडी, बीन और लोबिया आदि की बुआई मेड़ या क्यारी बनाकर की जा सकती है। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रतिरोपित फसल जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची आदि को नर्सरी बेड या मटके में भी उगाया जा सकता है। बुआई के बाद फसल में 250 ग्राम नीम की फली का पाउडर बनाकर छिड़काव किया जाता है, ताकि हम इसे चींटियों से बचा सकें। टमाटर के लिए 30 दिनों की बुआई के बाद तथा बैंगन, मिर्ची तथा प्याज के लिए 40 से 45 दिनों के बाद पौधों को नर्सरी से निकाल दिया जाता है। टमाटर, बैंगन, मिर्ची को 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ या उससे सटाकर रोपाई की जाती है। प्याज के लिए मेड़ के दोनों ओर लगभग 10 सेंटीमीटर की जगह छोड़नी पड़ती है। रोपण के तीसरे दिन पौधे की अच्छे से सिंचाई की जाती है। प्रारंभिक अवस्था में इस रोपण को हर 2 दिन बाद पानी दिया जाता है तथा बाद में 4 दिनों के बाद पानी दिया जाता है। देश में कृषि ही जीवन का आधार है। अन्न के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जहां एक तरफ कृषि क्षेत्रफल में लगातार ह्रास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए खाद्यान्न उत्पादन की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस मांग की पूर्ति के लिए समय की मांग है कि ऐसी कृषि प्रणाली अपनाएं जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो, साथ ही साथ आमदनी भी साल भर होती रहे। बच्चों की पढ़ाई, शादी, स्वास्थ्य
और सामाजिक रस्मों रिवाज पर होने वाले खर्च को एक किसान तभी उठा पाएगा जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए किसानों को समेकित कृषि प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।